ग्रामीणों ने चलाई एक नई पहल। देश के प्रधानमंत्री को भेजे जा रहे हजारों पत्र उन पत्रों के माध्यम से की जा रही है धौरा रेलवे स्टेशन पर जल्द से जल्द ट्रेन ठहराओ की मांग। हम आपको बताते चले कि ललितपुर रेलवे स्टेशन और बिना रेलवे स्टेशन के बीच पड़ने वाला धौरा रेलवे स्टेशन इस समय चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण लगातार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग कर रहे। कोरोना काल से पहले धौरा रेलवे स्टेशन पर झांसी डारसी पैसेंजर, साबरमती एक्सप्रेस, झांसी बिना शटल, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन होता था। इन ट्रेनों से रेलवे स्टेशन के आसपास बने बसे लगभग 50 गांव के यात्री अपना सफर करते थे, तो वहीं लगभग 500 छात्र छात्राएं प्रतिदिन ललितपुर एवं अन्य शहरों के लिए अपनी पढ़ाई करने के लिए आते जाते थे। वहीं ट्रेनों के ठहराव न होने की वजह से अब इन सभी छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। सूत्रों की माने तो ये आक्रोश इतना बढ़ चुका है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट न डालने का फिर निर्णय ग्रामवासियों के द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें सबसे अधिक संख्या नए वोटरों की है जिनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। धौरा ग्रामवासी एवं आसपास के गाँव के लोगों ने एक मुहिम चालू की है, जिसमें डाक के द्वारा लगभग 10,000 पत्र देश के प्रधानमंत्री को भेजे जा रहे हैं, जिसमें मांग की जा रही है कि धौरा रेलवे स्टेशन पर जल्द से जल्द ट्रेनों का ठहराव किया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। मैं ग्राम पेपराई का रहने वाला हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी से आपसे निवेदन है कि हमारे धौरा में ट्रेनों का कोरोना काल से ठहराव नहीं हो रहा, जिसके कारण हमारे यहाँ शिक्षा के लिए हम परेशान हो रहे हैं एवं हमारे भाई बहन भी परेशान हो रहे हैं, और आपसे निवेदन है कि इस ट्रेनों का ठहराव जल्द से जल्द कराया जाए। प्रधानमंत्री से निवेदन है कि हमारे कोरोना काल से ट्रेनों का ठहराव बंद हो गया था, जिससे हमारी कोचिंग पढ़ाई के लिए हमारे लिए दिक्कत आ रही है, तो हमारा इनसे निवेदन है कि इसका पुराना ठहराव कर दे। क्या लिखा है आप लोगों ने पत्र में? माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि 4 साल से हमारे यहाँ ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, हमारे भाई बहन पढ़ाई छूट चुकी है और इनके लिए ट्रेन रुकवा सकते। क्या नाम आपका? पूजा सिंह। क्या कहेंगी, ये पोस्ट कार्ड डाल रही हैं, किसको भेज रहे हैं आप लोग? कहना है कि ट्रेन चलवाइए और हम लोग आगे की पढ़ाई भी नहीं कर सक रहे, हमारे भाई बड़े भाई बहनों ने पढ़ाई भी नहीं की और हमारा पुलिस नहीं बन पा रहा और 4 साल से कोरोना खत्म हो गया और हमारी ट्रेन भी नहीं चल रही है, फिर क्या करके ट्रेन चलाइए और हम लोगों को आगे की पढ़ाई भी करना है, कैसे करेंगे और आने जाने में दिक्कत भी हो रही है, इसलिए फिर क्या करके हम लोग ट्रेन वापस कर दीजिए। हम लोग 5 साल से हैरान है, हमारे धौरा रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल से ट्रेनें बंद हैं, आज तक बंद है, कोई सुनने वाला नहीं है। पांचों सातों प्रधानों ने सब जगह लिखा हाथ, ये सांसद जी से, विधायक जी से, पूरे राजनेताओं से, एक किसी ने नहीं सुनी। हम लोग भयंकर हैरान है, छात्रों ने पढ़ना छोड़ दिया, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, जिला मुख्यालय जा नहीं पा रहे, सुबह से ललितपुर मुख्यालय जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं, बूढ़े बेचारे जा नहीं पा रहे, छात्र कोचिंग को नहीं जा पा रहे हैं, भयंकर परेशानी है। पहले अनशन भी हम लोगों ने किया, आमन अनशन किया, कई बार अनशन किया, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं। इसलिए हम लोगों ने, 10 गांव के लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के साथ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो नीचे के लोग हैं ये सुन ही नहीं रहे हैं। मोदी हर बात देना चाहते हैं, हर सुविधा देना चाहते हैं, लेकिन हमारी सुविधाएं सब छीन रखी हैं। जब DRM ने यस कर दिया, GM ने यस कर दिया, तो यहाँ के लोगों के लिए तकलीफ हो रही है, यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को तकलीफ हो रही है। इसलिए हम लोग 10,000 पत्र माननीय भारत के भगवान, भारत के कर्णधार, भारत के प्यारे नरेंद्र मोदी को, हम सब लोग 10,000 पत्र लिख रहे हैं और ये डाकखाने में अभी हम लोग सौंप रहे हैं कि हमारी तकलीफ को सुना जाए, इन लोगों को डांटा जाए, ये सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे, रेलवे स्टेशन धौरा पर गाड़ी क्यों नहीं खड़ी हो रही, पहले इतनी गाड़ी खड़ी होती थी, आज क्या हो गया ऐसा। जिला मुख्यालय के लिए आप कौन सी गाड़ी की मांग चाहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं, कौन गाड़ी? हम तो चाहते हैं मेरी इटारसी झांसी पैसेंजर पुनः हमें वापस मिल जाए, फिर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस मिल जाए, हमें महामना एक्सप्रेस मिल जाए, हमें झेलम एक्सप्रेस मिल जाए, हमारी साबरमती एक्सप्रेस मिल जाए, हमें मेमू एक्सप्रेस मिल जाए, सारी गाड़ी मुझे पुनः मिल जाए।
हम एक गाड़ी के भरोसे क्यों रहे, सारी गाड़ी दो ना। पहले क्या सरकारें नहीं रही, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाले नेता अपनी 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 उसको समझते नहीं है। आज हम लोगों को मौका मिला है, हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। यदि मोदी तक आवाज हमारी 11,000 पत्रों तक माननीय नरेंद्र मोदी तक हम लोग भेज रहे हैं, ये आवाज वो जरूर सुनेंगे। हमारी व्यवस्था धौर्रा में पुनः ट्रेनों का जितनी ट्रेनें रुकती थी पुनः हल्टिंग होगी, ये मुझे विश्वास। यदि चुनाव के पहले अगर आपकी गाड़ी नहीं रुकती है तो क्या मतलब क्या दिखाना चाहते हैं, क्या ऐसा करना पहली बात तो हो ही नहीं सकता। ट्रेनें जरूर रुकेंगी, मोदी तक पहुंचने तो लेटर जरूर रुकेंगी, इसके बाद हम लोग पुनः अनशन पर बैठ जाएंगे और चुनाव का बहिष्कार तो हम लोग करेंगे, नोटा और नोटा दबाएंगे हम लोग।